everyone, you're watching It's Pio's World and welcome back to my channel. So guys, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ एक शॉपिंग हॉल वीडियो। मैं पिछले हफ्ते गई थी अपने हॉलीडेज के लिए वैष्णो देवी, शिमला, कुल्लू एंड मनाली और वहाँ पे किया है मैंने कुछ शॉपिंग। तो मेरे आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ वही शेयर करने वाली हूँ। सो बेसिकली हम लोग 10 डेज के लिए हॉलीडे पे गए थे। पहले हम गए हैं वैष्णो देवी माता के दर्शन किए, फिर हम गए कुल्लू मनाली, फिर गए हम शिमला और वहां से बाई ट्रेन हम कोलकाता वापस आए। तो मैंने इस फुल हॉलीडे का ब्लॉग भी बनाया है जो मैं आप लोगों के साथ धीरे धीरे शेयर करूंगी। और मैंने ऑलरेडी अपने वैष्णो देवी का जो ब्लॉग है वो अपलोड कर दिया है 2-3 दिन पहले। अगर आप चाहे तो आप वो ब्लॉग भी चेक कर सकते हैं। मैं उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, डू चेक इट आउट। और मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ व्लॉग शेयर करने से पहले मैं शॉपिंग हॉल जो है वो शेयर कर लेती हूँ। तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ वही शॉपिंग हॉल वीडियो शेयर करने वाली हूँ। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स मूव ऑन टू द वीडियो, लेट्स गेट स्टार्टेड। बेसिकली हमने अपनी ज्यादातर शॉपिंग मनाली से ही किया है क्योंकि कुल्लू से मनाली आने के टाइम आप लोगों को वहाँ पे बहुत सारे शॉल फैक्ट्री मिल जाएगा बट वहाँ के जो प्राइस है वो बहुत ही ज्यादा है। तो हम लोगों ने वहाँ से कुछ भी नहीं खरीदा है, हमने डायरेक्टली मनाली आके मनाली के जो मॉल रोड है उसके चारों तरफ आपको बहुत सारे शॉप मिल जाएंगे और वहाँ के जो प्राइस है वो बहुत ही रिजनेबल है और आप लोग बार्गेनिंग भी कर सकते हैं। तो हम लोगों ने मनाली से ही अपने ज्यादातर शॉपिंग किया है। सो सबसे पहले मैंने लिया है ये स्टोल, ये ब्लैक एंड ऑरेंज कॉम्बिनेशन में कश्मीरी हैंडवर्क किया हुआ स्टोल है और इसका जो प्राइस है वो है 400 रुपीज। मैं आप लोगों को फुल खुल के दिखाती हूँ, ये है स्टोल, इसमें फुल कश्मीरी वर्क किया हुआ है। स्टोल के दोनों तरफ ऐसे हेवी वर्क एंड बीच में ऐसे लाइट वर्क किया हुआ है। सो ये मैंने लिया है अपने लिए। सो नेक्स्ट मैंने खरीदा है ये स्टोल और ये ब्लू एंड ऑरेंज कॉम्बिनेशन में स्टोल है। ये भी एक कश्मीरी वर्क किया हुआ एक स्टोल है और इसमें बहुत ज्यादा हेवी वर्क बनाया हुआ है। इस स्टोल में फुल हैंडवर्क किया हुआ है और इसका जो प्राइस है वो है 380 रुपीज। एक्चुअली अगर आप जितना बार्गेनिंग कर सकते हैं आपका फायदा उतना ही होगा क्योंकि मनाली में आप बहुत ज्यादा बार्गेनिंग कर सकते हैं शॉप में जाके, तो आपकी बार्गेनिंग स्किल अच्छा होना चाहिए। सो नेक्स्ट मैंने खरीदा है ये स्टोल और ये एक ब्लैक कलर के साथ मल्टी कलर कॉम्बिनेशन में स्टोल है और इसमें भी कश्मीरी हैंडवर्क किया हुआ है और इसका जो प्राइस है वो भी है 380 रुपीज। एक्चुअली मुझे ये वर्क बहुत ही पसंद आया था क्योंकि ये फुल स्टोल में ऐसे वर्क किया हुआ है और इसका प्राइस भी बहुत रीजनेबल ही था। इसमें भी फुल हैंडवर्क किया हुआ है। सो नेक्स्ट मैंने खरीदा है ये स्टोल और ये भी एक सेम डिजाइन का ही स्टोल है बट इसका जो थ्रेड का जो कलर है वो ही अलग है। एक्चुअली मुझे इसका जो डिजाइन है ये इतना पसंद आया है कि मैंने हर एक कलर में एक एक स्टोल खरीद लिया है। सो ये है फुल स्टोल। सो नेक्स्ट मैंने खरीदा है ये दो शॉल, एक मेरी मम्मी के लिए एक मेरी सासू मोम के लिए और ये भी एक सेम डिजाइन में ही शॉल है। ये स्टोल नहीं है, ये शॉल है। शॉल के जो साइज है वो स्टोल के साइज से बड़ा होता है और इसका जो प्राइस है वो है 650 रुपीज। और ये शॉल खोलने में ऐसा दिखता है।
मैंने जो ज्यादातर स्टोल हो या शॉल हो वो ब्लैक कलर में ही खरीदा है, क्योंकि ब्लैक कलर के ऊपर ही ये जो कश्मीरी हैंडवर्क है वो ज्यादा खिलता है। और मैंने सेम ही डिजाइन के 2 शॉल और 3 स्टोल खरीदा है, बट जो थ्रेड का कलर है वो अलग है। नेक्स्ट मैंने खरीदा है ये, और ये भी एक शॉल है। ये रेड एंड बेज कॉम्बिनेशन में कश्मीरी वर्क किया हुआ शॉल है और इसका प्राइस है 600 रुपीज। ये है फुल शॉल। इसमें भी बहुत सुंदर कश्मीरी वर्क किया हुआ है। एक्चुअली जो कुल्लू शॉल है वो मुझे ज्यादा पसंद नहीं आया था, मुझे ऐसे ही कश्मीरी वर्क किया हुआ स्टोल या शॉल ही ज्यादा पसंद आया, तो मैंने सभी स्टोल एंड शॉल कश्मीरी वर्क में ही खरीदा है। सो नेक्स्ट मैंने खरीदा है 2 गोल्फ कैप, एक मेरे पापा के लिए एक मेरे ससुर जी के लिए, और इसका जो प्राइस है वो है 130 रुपीज। सो नेक्स्ट जो चीज है वो मैंने खरीदा है शिमला से, और वो है ये एक डबल बेड ब्लैंकेट है, और इसका जो प्राइस है वो है 450 रुपीज। और ये बहुत ही सॉफ्ट मटेरियल का ब्लैंकेट है, ये बहुत ही सॉफ्ट एंड थिन मटेरियल का ब्लैंकेट है। एक्चुअली कोलकाता में ज्यादा सर्दी नहीं पड़ता है, तो मुझे बहुत दिनों से ही ऐसे थिन मटेरियल का ब्लैंकेट चाहिए था, तो मैंने जब शिमला में इसे देखा तो मुझे इसका जो कलर कॉम्बिनेशन है वो भी बहुत पसंद आया, और इसका जो मटेरियल है वो भी बहुत पसंद आया, तो मैंने इसे खरीदा। और ये फुल ब्लैंकेट दिखने में ऐसा लगता है। सो गाइस, ये था मेरा मनाली एंड शिमला शॉपिंग। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप यू गाइस एंजॉयड इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। बाय।